Hi everyone this is veronica and once again we are here with the mcq series environment and science and tech questions or आज जो क्वेश्चन करेंगे रूल्स मैं आपको बता दूंगी कैसे आपको ये करना है नाउ दिस इज माय टेलीग्राम चैनल अगर आपकी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपकी कोई भी क्वेरी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे पे. So, question, यही है, सा, कि जब क्वेश्चन पढ़ के मैं खत्म करूंगी pause. आप पॉज कीजिए आंसर लगाइए फिर हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे on, uh, तो आपको नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आज काफ़ी सवाल देखने को मिलेंगे तो उसके एप्लीकेशन के बारे में बताना कि नैनो टेक्नोलॉजी को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं इन्हेंस्ड न्यूट्रिएंट डिलीवरी एंटी माइक्रोबियल पैकेजिंग ग्रीन पैकेजिंग तो आप बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें से सही है यू कैन पॉज राइट नाउ एंड देन सी द आंसर सो आई होप आपने पॉज किया अब आंसर क्या है तीनों ही इसमें सही हैं डी यानी वन टू थ्री करेक्ट आंसर है न्यूट्रिएंट डिलीवरी भी एनहांस होती है इंक्रीज की जा सकती है एंटी माइक्रोबियल पैकेजिंग भी की जा सकती है क्योंकि अगर आप जिंक एनॉल के नानो पार्टिकल्स यूज करेंगे उस पैकेजिंग मटेरियल में तो आपका खाना जो है फूड आइटम खराब नहीं होगी जल्दी क्योंकि वो बैक्टीरिया को मार देता है इट इज़ अ ग्रीन पैकेजिंग ऑल्सो कि बायडिग्रेडेबल भी है इन्वामेंट को भी कोई नुकसान नहीं है दैट इज़ वाई ग्रीन पैकेजिंग सो नैनो टेक्नोलॉजी फूड प्रोसेसिंग में बहुत अच्छे बेनिफिट्स हमको देता है इसको और इन ऑप्शन के सिवाय कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूँ कंटामिनेशन सेंसर के तौर पर यूज कर सकते हैं कि पता चल जाए कि इसमें इक्वल e. आय का कंटामिनेशन है या नहीं है फिर आप ऑप्शंस में जैसे आपने एंटी माइक्रोबियल पैकेजिंग देखा तो एडिबल फूड फिल्म यूज की जा सकती हैं सिनेमॉन या ऑरिगेनो ऑयल से बनी या नैनो पार्टिकल्स जो कि जिंक कैल्शियम से बने हैं या किसी और मटीरियल के जो कि जिसमें कैपेबिलिटी है कि वो बैक्टीरिया को मार सकते हैं तो आप खाने के आइटम को ही लाते हैं पेरिशेबल होती है जल्दी खराब हो जाती है लेकिन उनकी पैकेजिंग में अगर नैनो मटीरियल से बना है वो इन इन नैनो पार्टिकल्स हर किसी का नैनो पार्टिकल नहीं जो कि एंटी बैक्टीरियल थिंग्स हैं उनका नैनो पार्टिकल और फूड स्टोर भी इंप्रूव हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन सेंसिटिव फूड्स को ये काफी ज्यादा फ्रेश रखता है एंड यस न्यूट्रिएंट डिलीवरी में हेल्प करता है अगर वाइटामिन एंटी ऑक्सीडेंट्स में नैनो एंड एंड कैप्सूल्स आपने यूज किए हैं सो ये बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट डिलीवरी भी करवाते हैं ग्रीन पैकेजिंग बिकॉज फाइबर्स जो कि लॉबस्टर शेल्स ऑर्गेनिक कॉर्न के बने हैं वो एंटी माइक्रोबियल भी हैं और बायोडिग्रेडेबल भी हैं इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं है इसलिए ग्रीन पैकेजिंग पेस्टिसाइड रिडक्शन इज अन अदर यूज अ क्लॉथ सेचूरेटेड विद नैनो फाइबर स्लोली रिलीजेस पेस्टिसाइड्स धीरे धीरे पेस्टिसाइड्स को रिलीज करेगा जिसमें आपको एडिशनली स्प्रे करने की जरूरत नहीं है और बाकी हर जगह को कंटामिनेट करने की

स्प्रेडेबिलिटी और स्टेबिलिटी साइज क्रिस्टल में भी हेल्प करते हैं, so, ये सब के फायदे हैं। Now, is, is अभी देख लो कि इंडिया कुछ मेगा मिशन लॉन्च करने वाला है इसरो हमारा ठीक है स्पेस एजेंसी जो हमारी है मेगा मिशन रिलीज करने वाला है उसमें एक्सपो सैट का भी नाम है तो उन सारे मिशन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए वैसे सो ना सैट इज सीन इन न्यूज इट इज इसरो प्लांट स्पेस ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्सरेज इट इज अ टेस्ट व्हीकल फॉर द फर्स्ट अब डेमोन्स्ट्रेशन फॉर इसरो चंद्रयान मिशन इट इज इसरो स्पेस टॉकिंग एक्सपेरिमेंट विच विल बी यूज फॉर सेटिंग अप मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन इट इज एन इंडियन स्पेस क्राफ्ट गोइंग टू एल वन और लाग अगर हम शुरू करें तो एल वन इज द आदित्य मिशन लेटेस्ट आपने सुना होगा तो ये तो नहीं है ना थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए एक्सपो सेट इसका ना कुछ फुल फॉर्म जैसा लगता है एक्सपो सेट सो पोलराइजेशन वर्ड यूज़ हो रहा है ना यहाँ पे पी ओ फर्स्ट वर्ड्स इसके लिए गए तो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट तो अगर नहीं भी आता हो तो कई बार इस तरीके से भी दिमाग लगाना चाहिए कि इसका शॉर्ट फॉर्म कहीं पे एक तो सैटेलाइट है एक्सपो सैट सेटेलाइट के लिए होगा तो इस तरीके से भी आप दिमाग लगा सकते हैं इनकेस आपको बिल्कुल ही नहीं आता तो दिस इज़ एक्स रे पोलरीमीटर सेटेलाइट इसरो प्लान स्पेस ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्स एक्सरेज की पोलराइजेशन पढ़ने के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है सेकेंड क्वार्टर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में लॉन्च किया जाएगा एस एस एल वी यानी स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल में और पांच ईयर्स को इसको वर्क कराने का प्लान है तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि इसरो के जो सात मेगा मिशन हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो जिसमें चंद्रयान टू भी कंडक्ट हम करने वाले हैं दो मिशन ऑलरेडी आइडेंटिफाई डिफाइन कर चुका है इसरो एक्सपो उनमें से एक है और आदित्य एलवन आदित्य एलवन भी बहुत न्यूज़ में है एक्सपो भी बहुत न्यूज़ में है बाकी चार जो अनडिफाइंड मिशन हैं जो प्लानिंग स्टेज में हैं वो है मंगलयान टू वीनस मिशन देन यू हैव लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सो वर्ल्ड्स तो इन सब के नाम आपको आने चाहिए सात मेगा मिशन जो होने वाले हैं ठीक है एक्सपो के बारे में आपको बता दिया आदित्य एलवन जो जो है ये सन पे हमारा एक मिशन जाने वाला है सो हमारे कुछ लैग रेंज पॉइंट्स होते हैं L1 L2 L3 L4 L5 कुछ स्टेबल है कुछ अनस्टेबल है ये पॉइंट्स का मतलब है जहाँ पे दो हेवनली बॉडीज खुद को बैलेंस uh, आउट करती हैं उनकी ग्रेविटेशनल पुल उनके बीच में अगर हम कोई चीज लॉन्च करते हैं तो वो स्टेपुट हो जाता है वहां पे रुका रहता है ठीक है सो so, आदित्य L1 काफी ज्यादा न्यूज में है भी जो साल का मिशन है तो इनके बारे में डिटेल स्टेटमेंट्स अबाउट कार्बनोटूब आर सिलेंड्रिकल मॉलिक्यूलिस्टिंग ऑफ रोल्ड अपीट सिंगल लेयर कार्बन आइटम्स तो आप मुझे बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा सही है पॉज कीजिए देखो स्टैटिक में नैनो टेक्नोलॉजी जब हम पढ़ते हैं उसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं ये चीज़ें हम डिटेल में पढ़ते हैं तो इसमें दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं आपके बिल्कुल वो सिलेंड्रिकल नैनो मॉलिक्यूल्स हैं जो रोल्ड अप शीट्स में है सिंगल लेयर कार्बन आइटम की बनती है और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ उनकी है सो कार्बन नैनो ट्यूब्स जो हैं वो कार्बन एटम से ही बने हैं जो कि हेक्सागोनल शेप में है हर कार्बन आइटम कोवलेंटली बॉन्डेड है बाकी के तीन कार्बन आइटम्स है सिंगल वॉल भी यूज हो सकता है डायमीटर ऑफ लेस नैनोमीटर मल्टी वॉल भी आप इसको यूज़ कर सकते हो स्टील वायर से काफी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये फॉर थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इलास्टिक भी है और इसका स्टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत हाई हैोल्यूशन मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन करवाती हूँ नाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वे नॉट नेचर due to their size they can penetrate the animal cells but, uh, but not plant cells as they have mechanism of nanoparticles filtration so pause and answer okay so answer seems to be a वन ओनली ठीक है सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम करेक्ट कर रहे हैं कि उनमें कोई भी ऐसा अप्रोप्रिएट कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनी लिविंग ऑर्गेनिजम उनोप्रिएट मैकेानिज़म नहीं है नेचर की तरफ से कि वो नैनो पार्टिकल्स को नैनो वेस्ट्स को फिल्टर कर सके ठीक है तो दूसरा बोलता है ड्यू टू देयर साइज दे कैन पेनिट्रेट एनिमल सेल कि एनिमल सेल में जा सकते हैं लेकिन प्लांट सेल में नहीं जा सकते अब animals और प्लांट सेल में कुछ डिफरेंसेस हैं बट इतना भी कोई डिफरेंस नहीं है कि नैनो पार्टिकल फिल्ट्रेशन एक में है और दूसरे में नहीं है तो ये स्टेटमेंट गलत है ठीक है सो योर आंसर इज ए ओनली नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अ डिजिटल सिग्नेचर इज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाइज द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशूइंग इट Used to serve as a proof of identity of an individual to access information or server on internet, an electronic method of signing an electronic document and ensuring that the original content is unchanged. So, you can pause and mark. सो दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दट आईडेंटिफाइजिफाइंग अथॉरिटी इशुंगट ऐसा कुछ भी नहीं है दिस इज रॉन्ग की कोई सर्टिफिकेशन नहीं देता है ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की तरह भी ये यूज नहीं होता किसी भी इंडिविजुअल के लिए बट हाँ इसको आप साइन करने के लिए यूज कर सकते हो एंड इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एंड एंश्योरिंग दर्ट द ओरिजिनल कॉन्टेंट इज अनचेंज्ड सो आंसर इज सी थ्री ओनली ठीक है कि डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट पे जब आप साइन करते हैं ई मेल स्प्रेडशीट टेक्स्ट फाइल पे और इसको डिजिटल सर्टिफिकेट से कन्फ्यूज़ मत करना डिजिटल सर्टिफिकेट इज डिफरेंट सो डिजिटल सर्टिफिकेट क्या है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जिसमें डिजिटल सिग्नेचर होता है

बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हो 40% परसेंट ऑफ ऑलमोस्ट अभी चल रहा है उसका आज लास्ट डे है ये ऑफर आज 11:59 पे ख़त्म हो जाएगा सो यू कैन बाय यूजिंग माय कोड वीरो यू पी एस सी जिस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और मेरा मेन्टोरशिप जब तक आप प्रिपेयर कर रहे हैं ये प्राइजेज आप यहाँ पर देख सकते हैं आरम बैच भी शुरू हो रहा है थर्टीथ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और जो स्टूडेंट्स ट्वेंटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो उनके लिए भी बैच थर्टीथ से शुरू हो रहा है सिक्सटीन प्लस आज ऑफ लर्निंग बेसिक्स से पढ़ाया जाएगा और इस यानी कल इसमें जरूर कीजिए अगेन द कोड इज़ एस सी फॉर द सेम टू एनरोल एंड जीरो मंथली पैसे देके पॉकेट फ्रेंडली है सो थैंक यू सो मच